धड़कन लाग गया हल्का लाडवा चमकन लाग गया। जन जन इब्नू कह रहा से पवन सैनी विधायक मारा खूब विकास करा रहा से खूब विकास करा रहा से। कुरुक्षेत्र जिले का अंतिम और लाडवा विधानसभा का पहला गांव बीड मंगोली मुख्यमंत्री के सबका साथ सबका विकास का नारा यहां भी सच साबित हो रहा है। लाडवा विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने इस गांव में भी विकास के इतने कार्य करवा दिए कि साथ लगते अंबाला जिले के गांव में हुए विकास कार्य भी कम दिखाई दे रहे हैं। गांव में नई सड़कें, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था के लिए नई पाइपलाइन, शमशान घाट में पीने के पानी की व्यवस्था जैसे कई कार्य जिनके चलते विकास की नई गंगा बह रही है। गांव की महिला सरपंच गांव के विकास कार्यों व विधायक की कार्य प्रणाली पर क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। मैं श्रीमती चंचल रानी, गांव बीड मंगोली सरपंच। गांव में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। जो जब शुरू में मैं सरपंच बनी तो मेरे सामने बहुत समस्या थी, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी पंचायत इनकम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है मेरे पास इनकम का। लेकिन डॉक्टर पवन सैनी जी जो हमारे विधायक है बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे विधायक है। ऐसे विधायक आज तक हमें देखने में नहीं आए मेरी लाइफ में। हमने जो जो डिमांडें की उन्होंने समय समय पर पूरी की है। डॉक्टर पवन सैनी जी ऐसे विधायक है जो हमें उनसे समय मांगने की जरूरत नहीं है, समय समय पर आके हमसे बातचीत करते हैं, हमारी समस्याएं सुनते हैं, सरपंचों के बीच में, आम जनता के बीच में आते हैं। विधायक जी बहुत अच्छे इंसान है विधायक जी, और जो हम डिमांड करते हैं हमारी पूरी करते हैं डिमांड। वो हमारे गांव में जो कार्य हुए हैं, हमने कम्युनिटी हॉल का निर्माण करवाया, एक शमशान घाट की चार दीवारी करवाई है, उसमें बरामदा बनवाया है एक शमशान घाट में जो पहले बिल्कुल ही बेकार पड़ा हुआ था, वो निर्माण कार्य हुआ है। कम्युनिटी हॉल का निर्माण हुआ मेरे टाइम में, और सरकारी ट्यूबवेल है जो नया बना, जो पहला ट्यूबवेल था बिल्कुल खराब पानी दे रहा था, डैमेज पड़ा था। खड्डा रोडी का निर्माण हुआ है, खड्डा रोडी का निर्माण हुआ जिसमें और चार पांच गलियां बनी है हमारे टाइम में। गांव में फिरनी में मट्टी भरत का कार्य हुआ है, उसका काम थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा है लेकिन वो काम चल रहा है। उसके बाद में एक नई आंगनबाड़ी बननी शुरू हो रही है, एक आंगनबाड़ी हमारे गाँव में पहले से है और एक शुरू हो रही है बनने के लिए, लेकिन कुछ कार्य हमारे अधूरे पड़े हैं। उन अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए हमने विधायक जी से डिमांड की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वो अधूरे कार्य जो पूरे करने के लिए हमें जो ग्रांट जो देनी चाहिए वो देंगे। उसमें जो हमारे कार्य हैं, एक बीसी चौपाल है उसका बरामदे का निर्माण करवाना है, और गांव की जो फिरनी अधूरी पड़ी है उसे पक्का करवाना है, उसमें आरसीसी ब्लॉक वगैरह बिछवाने हैं, वो कार्य है हमारा। कार्य बहुत अच्छे, जब से हमारी पंचायत बनी है तब से हमारे गांव बीड मंगोली के अंदर अनुशासन प्रक्रिया और कार्य का चहुमुखी विकास हुआ है। सारे गांव के अंदर जगमग गांव की एक लहर जो चली, सबसे पहले हमारे गांव में चली, सारे गांव को रोशनियों से नहलाया गया, सारे गांव के अंदर लाइटें लगी, रिटर्निंग वाल लगे, और जो जिनके हॉल खुले हुए थे टुंटियों के, सरपंच साहब ने, हमारे चंचल रानी वाइफ ऑफ कुलदीप चंद कुलदीप सिंह ने, सभी टुंटियों के आगे हॉल लगा करके एक जल संरक्षण शक्ति का जो यहाँ से उदाहरण पेश किया गया, हमारे गांव से चला कि जल बचाओ देश बचाओ जल ही जीवन है, यहीं से चली। और कार्य के बिहार जो बही है वो गांव बीड मंगोली के अंदर जिसकी सराहना की जाए बहुत ही कम है। हमारे गांव में पंचायतें बनी, सब ने अपने अपने तरीके से काम किए, और हमारी शुद्धि के बाद जो अब जा करके जो पंचायत बनी उसने बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत कार्य हुए हैं। बतात घर बने हैं, बैठने का स्टैंड है, लाइटें लगी हैं, गलियों में सुधार हुआ है, और गांव की मेन फिरनी बनाई गई है। अब की बार बहुत अच्छे कार्य हुए हैं भाई, बढ़िया अच्छा कार्य चल रहा है जी सरकार की तरफ से, बढ़िया पैसे आ रहे जी गाँव में, बढ़िया कारोबार चल रहा है, अच्छी ग्रांटें आ रही है, कारोबार में तरक्की है, सब बढ़िया चल रहा है। मैं ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बढ़िया सरकार है, जो भी काम हुए सारे अच्छे काम हुए हैं। कुलदीप शर्मा जो सरपंच है ये भी बहुत अच्छा सरपंच है, जो
पीछे से बहुत बढ़िया काम कर, सफाई भी बहुत अच्छी किया, नालियों की, गलियों की मट्टी कराई, सारा काम बहुत अच्छा किया। अब बारी है नंबरों की, क्योंकि राजनीति में सफलता की कसौटी नंबर ही तो होते हैं। 10 में से मैं पूरा 10 नंबर दूंगी विधायक जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी उनके लिए जो वो कार्य करवा रहे हैं पंचायतों में, और जो हमें सपोर्ट करते हैं बार बार आके, वो मोटिवेट करते हैं उसके लिए। 9 अंक देंगे भाई। अगर अंकों की बात की जाए तो हम कुलदीप को अंक 10 में से 9 अंक का हकदार है। 10 में से 8 अंक देते हैं। बात नंबरों की हो या विकास कार्यों की, गांव बीड़ मंगोली में अरसे बाद विकास शब्द सुना गया, और यहां की जनता आगे भी इसी तरह का विकास चाहती है डॉक्टर पवन सैनी के मार्गदर्शन में। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए कैमरामैन संजीव के साथ नेहा शर्मा।